हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि म्यूजिक की डॉक्टर होने के साथ साथ मैं बहुत जल्द मेडिकल फील्ड की भी डॉक्टर होने वाली हूँ, क्योंकि आज का जो प्रोजेक्ट जो आज मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ वो बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है। और ये जो आप कह सकते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वाला वीडियो, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा वीडियो बनेगा जिसके थ्रू मेडिकल स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो उस तरह के आजकल काफ़ी सारे ई लर्निंग मॉड्यूल्स, लेसन्स, यूट्यूब वीडियोस, बहुत तरह का जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। फिलहाल मुझे इसका ऑडियो करना है। लेट मी सी आगे इससे बनेगा क्या और वो कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएगा, वो तो क्लाइंट को ही पता होगा। बट मेरे पास जो काम है वो ये है कि मुझे एक ई लर्निंग का जो लेसन है उसको रिकॉर्ड करना है, और उसमें इतनी सारी उटपटांग सी टर्म्स है, उटपटांग ही बोलूंगी क्योंकि मैंने लाइफ में कभी सुनी नहीं है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपकी प्रोनंसिएशन एरर नहीं हो सकती है, आप उसमें उसको गड़बड़ सिखा ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ सिखाया तो वो सीधे स्टूडेंट्स को पास ऑन होगा और स्टूडेंट्स ही आपको लपेट देंगे, उधेड़ देंगे बुरी तरह से, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें काफी नॉलेज होती है। तो इसलिए इस चैलेंजिंग टास्क को आज मैं करने वाली हूँ, क्योंकि क्लाइंट का काम है तो रिकॉर्ड करना है, और हम लोग तो आवाज के जादूगर हैं तो हमें उसमें अपना जादू बिखेरना है, लेकिन टेक्निकली भी बहुत करेक्ट करते हुए चलना है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे, लेकिन करने में चैलेंजिंग होते हैं और काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं ई लर्निंग लेसन है, लेकिन इंग्लिश में और मेडिकल टर्म्स के साथ। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो में और करते हैं इसे रिकॉर्ड। वेरी डिफिकल्ट टॉपिक इज एनिमल किंगडम। ओके, एनिमल किंगडम क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच। ऑप्शन ए पोरिफेरा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये क्या भारी भरकम शब्द है ये? पॉइंट बी ये, हाई जरा प्रोनाउंसिएशन चेक कराना। तो ऐसा ही होता है एक्चुअली, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं और इनकी एक एक की प्रोनाउंसिएशन चेक करके करना पड़ता है। सीलेंटोरेटा। ऑप्शन बी सीलेंटोरेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी नाइडेरिया। ऑप्शन सी नाइडेरिया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी कॉर्डाटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नाइडेरिया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन स्पॉन्जेस वेयर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन लूज सेल एग्रीगेट्स, सेलुलर ऑर्डर इज एविडेंट। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू हाउ सीलेंटोरेटा Tissue level organization refers to how coelenterates. Tissue level organization refers to how coelenterates and cnidarians organize the cells that execute the same function into tissues. From platyhelminthes to chordates, tissues are arranged into organs and organ systems. Because of this, Cnidarians lack organ level organization. तो देखा आपने कितना, मतलब इसमें जो वर्ड्स थे, फंबल्स पे फंबल्स, मतलब अब ये एडिटर की काबिलियत है कि वो कितने फंबल्स काट के बिना फ्रस्ट्रेट हुए इसको एडिट करके दे सकता है। लेकिन भाई हम तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि ये टफ है तो है। ओके, आगे चलते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेल्यूलर। ऑप्शन बी Organ system in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. Option C. Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Option D. A complete digestive system is present in all animals. The correct answer is option D. Repeat. The correct answer is option D. A complete digestive system is present in all animals.
The digestive system of platyhelminthes is referred to as being incomplete since it only has one opening to the exterior of the body, which doubles as both the mouth and anus. Beginning with, अब ये क्या है तूफान, ये भी चेक करवा दो प्रोनंसिएशन. इसमें तो क्या क्या साइलेंट होता है पता ही नहीं चलता. कब कभी से छूटती है ऐसे वर्ड्स देख के. Beginning with Asclepiotheres, all organisms have a full digestive system with two entrances, the mouth and the anus. What kind of circulatory system directly bathes cells and tissues in blood? Option A, incomplete type. Option B, open type. Option C, closed type. Option D, complete type. The correct answer is option B, open type. In open type of circulatory system, blood is pumped out of the heart, and the cells and tissues are directly bathed in it. Whereas in closed type, blood is circulated through a series of vessels called arteries, veins and capillaries. Thursday, लेकिन मैं मंगलवार समझ के आज मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊंगी कि कंप्लीट हुआ. वैसे फर्स्ट क्लास मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है ये रिकॉर्ड करना, बहुत मुश्किल होता है, बट फाइनली हम कर पाए, धन्यवाद. पसीने छूट गए हैं. बॉटनी का वीडियो था, मतलब स्क्रिप्ट तो ऑफ कोर्स मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन ऐसे नहीं देखी थी जैसे रिकॉर्ड करते हुए देखी, मतलब इतने सारे टेक्निकल टर्म्स. और मैं आज नमन करना चाहूंगी हमारे बॉटनी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेचारों के अंदर बड़ी पेशेंस है, बेचारों के अंदर बड़ा जिसे कहते हैं ना कि मादा है, और बेचारे बड़े ही मतलब स्टूडियस बच्चे होते हैं जो बॉटनी लेते होंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट इस दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो कर सकते हैं. बट वो बहुत कम लोग जो बॉटनी लेते हैं उनके लिए भी मेरे वीडियोस बनते हैं, और इस तरह के जो लेसन्स हैं वो बना के बॉटनी के स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद की जाती है. और आज का बॉटनी के जो लेसन्स का ये जो सेशन था, ऑल दो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग, लेकिन मजा आया. और नई नई चीजें जब आप सीखते हैं तो ऑल दो बॉटनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ भी आप नया सीखते हैं तो लगता है कि हाँ आपने कुछ नया सीखा, और आपकी लर्निंग लाइफ की ऑन है, वो ऑन ही रहनी चाहिए. और मैं चाहती हूँ और ऑन होने के साथ साथ धीरे धीरे फास्ट 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 और फास्ट होती चली जाए. लेकिन उसके लिए आप लोगों से कहूंगी मैं कि अगर किसी भी तरह की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, वेदर इट इज अ रेडियो एड, कोई ई लर्निंग मॉड्यूल, बच्चों की रिकॉर्डिंग, राइम्स का काम, कोई म्यूजिकल जिंगल का काम, कॉरपोरेट एंथम का काम, टीवी एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स का काम, कुछ भी ऐसा हो तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे. अबाउट में जाकर आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, वरना आप कमेंट्स में रिप्लाई करके भी अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं, इवन फॉर आईवीआर आल्सो. तो आज के लिए बस इतना ही. अगले सेशन में अगली और क्या प्रोग्रेस चल रही है प्रोफेशनल फ्रंट पे, और कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात. चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. फिलहाल इजाजत दीजिए, बाय बाय.